हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बकला एवं आलू की सब्जी, जो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। बकला इस सीजन में मार्केट में इजीली मिल जाती है। तो सबसे पहले, आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमने 250 ग्राम बकला को लिए हुए हैं। इसे अच्छी तरह से इसका दोनों तरफ को रेशा निकाल कर रख दिए हैं, और मीडियम साइज़ का आलू इस शेप में काट कर रख लिए हैं, अच्छी तरह से धो कर रख लिए हैं। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया है। इसमें मिर्च आधी चम्मच जीरा रखेंगे। जीरा हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें प्याज रखकर इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें बकला रखकर फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं बकला कलर चेंज हो गया है। अब इसमें आलू रखकर फ्राई करेंगे। बकला को पहले फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका हरापन निकल जाएगा। इससे सब्जी में टेस्ट बढ़ती है। आलू रखकर भी 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के रिकॉर्ड के अनुसार रख सकते हैं। अच्छी तरह से चला लेंगे। हमने अदरक लहसुन एवं पीली सरसों का पेस्ट बना कर रखे हैं। चम्मच हल्दी रखेंगे, 1 चम्मच पाउडर रखेंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर रखेंगे। सभी मसाले का घोल बना कर रख लेंगे। अब ये सब्जी में रखकर अच्छी तरह से चलाएंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे चलाकर मसाला को पकाएंगे। देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, इससे सब्जी अच्छी तरह से पक जाए। पानी ऐड करके 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे, ढक करके। देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो गया है, सब्जी पक गया है। अब इसमें गरम मसाला आधी चम्मच ऐड करेंगे। इसके बाद 1 मिनट तक इसे पकाएंगे, चलाते रहेंगे। देख सकते हैं तो सब्जी बनकर तैयार हो गया है। बकला की सब्जी ग्रेवी वाली अच्छी नहीं लगती है, इसलिए इसे सूखा ही बनाएंगे। दूसरे बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। तो सब्जी बनकर रेडी हो गया है। देखने में जितनी यम्मी लग रही है, खाने में भी उतनी यम्मी लगेगी। आज की रेसिपी पसंद है तब जरूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।